आखिर आप ये बताइए कि महिला कहाँ से दोषी है कि उसके मंगल सूत्र को छीना गया, उसके एडमिट कार्ड के छीना गया, उसके भविष्य के बर्बाद किया गया, उसके स्तन पर हाथ रखा गया। वरना ये लोग का बस चले ना दीदी, तो ये लोग पत्रकारों को भी, जो पत्रकार जो सुनील जी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस मामला को उठाया था, उनको भी धमकी दिया जा रहा है, उनको बोल रहे हैं, उनको भी बुलाया जा रहा है कि बाबू तुम थाने में आओ, आके मिलो। अब बताइए पत्रकारों का काम यही है कि वो थाने में जाए मिलो, बोला जा रहा है कि बाबू तुम थाने में आके मिलो वरना तुमको भी। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गोरखपुर से चलकर आए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आंदोलन इसलिए इतना बड़ा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आप एक बार कैमरा घुमाकर दिखाइए, एक जवान को जब सरेआम खाकी वर्दी के गुंडे, में कह रही हूँ इसलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी थी, खाकी वर्दी उन्होंने पहनी थी, उसके बाद ये कहते हैं कि तुमने माँ की गाली दी है और ये कहते हुए थप्पड़ मारने लगते हैं। तो जो लोग खाकी वर्दी पहने हुए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करते हैं, वो जब थप्पड़ मारने लगते हैं तो सोचिए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे बढ़िया हो रहा है, कौन से संविधान, कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के तहत उनको अधिकार मिला कि वो एक इंसान पर हाथ उठा दिए। आर्मी के जवान को साइड रखिए, बस ये सोचिए कि इंसान पे हाथ उठाने का भी अधिकार नहीं था उनके पास, कैसे मारे, ये सवाल है। मैम ये बताइए, पूरा मामला मुझे समझाइए, मुझे पूरे अच्छे से पता नहीं है, मुझे बताइए आप लोग क्यों बैठे हैं आंदोलन पे, क्या है कारण? देखिए हम लोग ये बैठे हैं कि एक आर्मी अपने पत्नी को एग्जाम दिलवाने ले जा रहे थे और उस दरमियान में उनकी गाड़ी से किसी के एक्सीडेंट हो जा रही है, थोड़ी सी चोट लग जा रही है, उनकी आगे गाड़ी बढ़ चुकी थी, फिर भी उन्हें महसूस हुआ कि हमसे ये गलती हो गया, मेरे गाड़ी से चोट लगा है, उन्होंने वापस आए और आके उनको कहे कि हम चलो आपका इलाज कराते हैं चाचा जी, वो बैठाने लगे, तब तक क्या हुआ कि वो लोग मारपीट करने लगे, फिर उन्होंने उनके खुद आर्मी जो हैं वो अपने परिजन के साथ रख के और चले गए थाना पे, कहे कि उन लोग को बुला के लाते हैं और एग्जामिन को छोड़ के हम लोग इलाज कराने जाते हैं। तब तक थाना प्रभारी आए, जरूर आए और देखे तो कहे गाड़ी इस साइड क्यों लगा, तो बोले कि सर हम लोग आपको बुलाने चले हैं, तब तक उतना ही पर उनको इतना घसीट घसीट के मारने लगे और वो इतने गलत शब्द बोले, तो वो आर्मी ये बोल रहे हैं कि आप माँ को गाली मत दीजिए, माँ को गाली मत दीजिए, बिल्कुल मैं बता रही हूँ, मैं सारी चीज़ बता रही हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि माँ को गाली मत दीजिए, लेकिन उन्होंने घसीट घसीट के मारना शुरू किया और यहाँ तक जब उनकी पत्नी और माए सारे लोग जो परिवार एक साथ थे एग्जाम के लिए, उसके एडमिट कार्ड छीन लिया गया, उसका मंगलसूत्र छीन लिया गया, उसका दुपट्टा छीन लिया गया, उस साली के कहने लगा गया है कि तू अपने बहनों के साथ गलत कर रही हो, घूमने आई हो, ऐश करने आई हो, रंगरलिया मनाने। कौन बोला? पुलिस वाले बोले जब अपने जीजा के साथ रंगरलिया मनाने आई हो तो, जबकि वो एग्जाम देने जा रही थी, तो ये क्या है, वो तो एग्जाम देने आई हुई थी और तब उस तरह की स्थिति में वो इनको क्या कहा जाए, वो प्रभार में थे तो वो क्या कर दिखा रहे हैं। बताया आपको कि पुलिस वाले ये कह रहे थे कि रंगरली मना, उनकी उनकी साली खुद कल बता रही, उनकी माँ कल आई हुई थी, आज भी आ रही है, उनके पिताजी भी आए हुए हैं और सारे लोग वहाँ मौजूद थे कल भी, हम लोग तीन दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, कल हमारी एसपी साहब यहाँ पे रहते हुए तीन दिन से बैठे हुए, तो क्या कहा जा रहा है कि मतलब क्यों जेल में क्यों बंद किया गया है, कारण क्या बताया जा रहा है? यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि उल्टे आर्मी को मारा गया घसीट घसीट के, उसके बाद से उसको जेल में भी बंद किया गया और किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, आखिर कारण क्या है, किस कारण से नहीं मिलने दिया जा रहा है, कई धाराओं से उनको तोप दिया गया है, ऐसा क्या है बात, यही बात हम लोग जानना चाह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि क्या अगर ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन के लोगों ने ये कहा कि एक 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 महिला अपने जीजा जी के साथ जाती है तो कहा जाता है कि रंगली मनाने जा रही हो, तो क्या इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था? अगर ये हुआ है तो ये आक्रोश की बात है, एक एक पुरुष जो साथ में है उसको बुरा लगेगा जब ऐसी बात का इस्तेमाल, बिल्कुल बहनोई के साथ अगर साली नहीं जाए तो किसके साथ जाएगा, बहनोई बाप के रूप में आता है। अब सर्टिफिकेट इनसे मांग कर महिलाएं निकलेंगी कि हमें कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, कब जाना है, जब ये माननीय लोग हमें सर्टिफिकेट दे देंगे तब हम परीक्षा देने जाएंगे, तब हम शॉपिंग करने जाएंगे, तब हम अपने घर के दैनिक कार्यों के लिए निकलेंगे, मतलब अब ये लोग सर्टिफिकेट देंगे कि महिलाओं को कब कहाँ कैसे और किस रूप में जाना चाहिए, वो बताएंगे तभी लोग जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता है।
प्रशासन के कहने का मतलब पंजीकरण वंश से है, उसका संस्थापक अध्यक्ष मैं हूँ और मैंने एकदम प्रतिज्ञा कर लिया है कि महिला के अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। आखिर आप ये बताइए कि महिला कहाँ से दोषी है कि उसके मंगल सूत्र को छीना गया, उसका एडमिट कार्ड के छीना गया, उसके भविष्य के बर्बाद किया गया, उसके स्तन पर हाथ रखा गया, ये कहाँ के न्याय है? उसकी कौन सी गलती थी? मैं बार बार यही पूछना चाह रही हूँ कि उसे कौन सी गलती थी। तो ये जो महिलाएं बता रही हैं, क्या इसका कोई साक्ष्य है, कोई वीडियो प्रूफ है, कुछ ऐसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, सब चीज आपको मिल जाएगा। आप जो लेना चाहेंगे वीडियो, सब चीज मिल जाएगा आपको। आ रही है, आप उनसे पूछिए, उनके देखिए, उनसे वीडियो लीजिए और तब पूछिए कि ये कहाँ का निर्णय है, उसमें महिला कहाँ से दोषी है। अच्छा, जब महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही थी, जब उनका उनके साथ शोषण हो रहा था, तो प्रशासन कहाँ? प्रशासन ऑलरेडी उसके हस्बैंड को घसीट घसीट के मार रही थी। प्रशासन ही सब कुछ किया है, आम पब्लिक थोड़ी कुछ किया है, प्रशासन ही किया है। वर्दी वाले को दोषी नहीं मानते। आप एक बात बताइए कि कहीं भी कोई घटना होता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि चलो हम प्रशासन को सूचना दे रहे हैं, तुम लोग गलत कर रहे हो। हम लोग उनका डर दिलाते हैं, खाकी वर्दी के हम लोग मान सम्मान करते हैं। हम लोग सभी को दोषी नहीं मान रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये किया है वो सभी को लपेट लिया है, ये गलत है। अगर वर्दी, हम लोग वर्दी वाले को क्या मानते हैं? रक्षक मानते हैं। कहीं से एक थाना प्रभारी आते हैं, हमारे मंच की महिला है, हम सब जाते हैं उनके भूखे लेकर जाते हैं, मान सम्मान देते हैं, हर एक जगह पर उनका मान सम्मान है। हम लोग रक्षक मानते हैं। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता कहाँ जाएगी? एक आर्मी के साथ, एक जवान के साथ जो हमारे देश के रक्षा कर रहे हैं, वो अपने खून के रंगों की होली खेलते हैं। अगर वो देश के रक्षा करते हैं, खून के होली खेलते हैं, तो हम सब रंगों के होली खेलते हैं। अगर उनके इज्जत नहीं रहा, उनके घर के बहू बेटी के मान मर्यादा नहीं रहेगा, तो हम आम पब्लिक कहाँ जाएंगे? मेरी मांग, मेरी पूछ यही है प्रशासन से, जिला अधिकारी महोदय से। मैं आशा करती हूँ, तीन दिन से आप लोग बैठे हैं, क्या कहा जा रहा है आप लोगों को? क्या आश्वासन क्या मिल रहा है? कारण क्या बताया जा रहा है? क्यों जेल में बंद किया गया? गाली इधर से दी गई, उधर से दी गई, दोनों लोग आपस में जो समझ में आया वो किए, ऊपर से खाकी वर्दी पहने हुए लोग उनको मार भी देते, फिर जेल में क्यों बंद कर दिए? जेल में बंद करने का कारण क्या बता रहे? ये तो कोई कारण नहीं बता रहे, लेकिन हमारी बात स्वयं कल एसपी सर से हुई है, उन्होंने एक ही बात बोले कि दोषी दोनों हैं, कि मैं उनको इंस्पेक्टर साहब को बर्खास्त कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, और मैं आ रहा हूँ तो इनको छोड़ने का काम करूँगी, यही बात बोले हैं। ये बोला गया है कि आज छोड़ा जाए? हाँ, वो अपने नगर थाना प्रभारी को भी भेजे थे हम लोग को आश्वासन दिलाने के लिए, और बोले हैं कि आज छोड़ने का बात होगा। अब क्या ही लोग कर रहे हैं वही लोग जाने। जब तक नहीं, आज कल इंस्पेक्टर साहब वादा किए हैं कि जब कल हम उनको छोड़ा देंगे, यहाँ से निकाल देंगे इनको। अब पता नहीं, पिताजी टाइम नहीं बताया, बताया थे लेकिन बोले थे कि कल हम छोड़वा, कल आए थे, अभी नहीं आए। राधामोहन जी के पिताजी हैं। अभी तक तीन दिन से आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं या दो दिन से? क्या प्रशासन की तरफ से कोई सूचना आप लोग को मिला है कि नहीं? सूचना ही मिला है, काल बोला है तो 12 बजे करा देंगे। तो अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी 12 है, अभी 12:15 हो तो होगा, 12 बज गया। अभी तो कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं है, तो वो सूचना होना चाहिए, बोला है तब कराना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये सब जो बवाल हो रहा था, आपको कब पता चला और क्या पता चला? क्योंकि जब प्रशासनिक लोगों से बात हो रही है तो बोला जा रहा है कि गाली दोनों तरफ से दी गई है, ये भी गाली दी है, वो भी गाली दी है, तो आपको सूचना कब लगी और क्या पता चला? हम तो घर पर था, बाद में वीडियो में देखा, हम ना गाली नहीं दिया है, गाली वो भी खाली गाली दिया है। हाँ, तो मारपीट किस बात की हो रही थी? क्यों क्यों प्रशासनिक जो लोग थे, पुलिस वाले लोग हमें लगा तो क्यों गाली दिया था, मार के एक धापर रहे थे, कोई खींच दिया, फिर तो भाई क्यों मारता है, आरपी लिया है तो अभी नहीं मारा, मारते ले गया खींचते हूँ, जेल में जाकर मारा अंदर में रोड पर। अरे भैया एक मिनट, अच्छा ये बताइए, बात हुआ है जब से आपके बेटे जेल में गए हैं? अच्छा, भेंट नहीं हुआ तो बगा देता था, बात भी नहीं करने दे रहे ना, भेंट भी नहीं करने देता है। अरे थाना में ले गए तब बातें नहीं कराए इन लोगों से। लेकिन ये क्या इतना बड़ा अपराध है कि अगर किसी को बंद कर दिया जाए तो परिवार वालों को मिलने भी ना दिया जाए? ये इतना बड़ा अपराध तो नहीं नजर आता है कि एक छोटी सी
छोटी सी बज्जक हो गई थी मान लेते हैं, एक छोटा एक्सीडेंट है जिसमें बज्जक हुई, अब परिवार वालों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके से बंदी बना दिया गया है, ये कौन सा अपराध है? मतलब ये इतना बड़ा अपराध है क्या? आप गए मिलने, आपको मना कर दिया? मना कर दिया, कल उसका माँ भी आया भी मिलने तो नहीं मिलने दिया। हाँ क्या बोलते हैं वो लोग? बोलता है नहीं अभी नहीं मिलेगा, अब 10 बज गया। हाँ रात का 10 बज रहा था कि सुबह का 10 बज रहा था? नहीं सुबह का। अच्छा हाँ बोला क्या बोले, कितने बजे मिलना है? मिला जाए शाम को मिलेगा, कॉल मिलेगा। अच्छा हाँ फिर शाम को गए? और शाम को नहीं गया, शाम को समय नहीं मिला। आज गए मिलने? ना अभी तो नहीं गया है। तो ये जब जितना बज्जक हुआ उसके बाद सीधे आपके बेटे को जेल में रख दिया जाता है, बहू आके क्या बताती है आपको, क्या हुआ था, पूरी कहानी क्या बताई बहू आपको? पूरी कहानी तो हम तो नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं, क्या क्या पता है आपको बताइए? पता है जो घर पर देखे है मारपीट के, उसे वीडियो में आया पूरा एथी में है, वही देखे है। बहू से बातचीत है आपकी? बहू को तो ये बात भईल है, थोड़ा यही पर काल बात हुआ है, काल आया था काल। तो ये क्या बता रही थी कि खाली खाली लड़के को मारा गया है या महिलाओं को भी मारा गया है? महिलाओं का भी, किसी का हुआ ये थी हार वे थी छीन लिया। तो कौन थी ना, पुलिस वाले की आम पब्लिक? ना पुलिस वाले, पुलिस वाले। हाँ जी मंगल सूत्र है, हनुमान जी भी तोड़ लिया उसका साली का। तो ये आपकी पतो बता रही थी कि ये जो खाकी वर्दी वाले लोग थे वो मारपीट कर रहे थे? वही मारपीट कर रहा है। अच्छा। हाँ तो आप लोग एप्लीकेशन नहीं दिए, महिला के साथ बदतमीजी करना है एक अपराध है, आप लोग एप्लीकेशन? सब लिए थे, थाना नहीं लिए। अच्छा एप्लीकेशन भी नहीं? नहीं लिया। क्या कह रहे? बोला जी ना अभी नहीं लेंगे, हम कोरो ये नहीं लेंगे। कितना दिन हुआ ये सब मामला? आज मंगलवार को हुआ है। अच्छा हाँ, एक बजे का, एक बजे का 40-45 मिनट पर। तो पूरा एक हफ्ता होने जा रहा है आज सोमवार। हाँ, आ कुछ भी सुनवाई नहीं दिया, देखिए क्या सुनवाई होता है, क्या करेगा। पूरे एक हफ्ते में एप्लीकेशन तक नहीं लिया गया? नहीं लिया गया, नहीं लिया है। भाई ये क्या है यार, मतलब ये एक तरीके की गुंडाई है, मतलब आप थप्पड़ मारते हैं फिर आप जेल में ले जाके बंद कर देते हैं, महिला आरोप लगा रही है कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, सरेआम सड़क पर हुई है, एक बार जांच तो बैठनी चाहिए थी ना। जब आप एप्लीकेशन ही नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं सही? अगर आप सही है, आपका दामन साफ है तो आपको एप्लीकेशन तो लिखना चाहिए था ना। हर बार ऐसे तानाशाही कर देना, मतलब कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं सही, यही आप जताना चाह रहे हैं ना इसका मतलब? अगर आप एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे तो पूछताछ कैसे करेंगे वहाँ पर जाकर? कोई पूछताछ भी नहीं हुआ इसका मतलब? कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हाँ इसका बारे में कोई सुनवाई ही नहीं करता है, जो क्या करे, उसको रिहाई करे कि क्या करे। कितने दिन से बैठे हैं धरने पे? हाँ तीन रोज हो गया। तीन दिन हो गया? हाँ तीन दिन। तीन दिन में मतलब कुछ भी ऐसा आसार नहीं दिख रहा है सही होते हुए? कुछ भी नहीं हो तो काल वो बोला है जी नहीं 12 बजे का, 12 से 1 बजे हम छोड़वा देंगे, रिहाई करा देंगे उसको। इंस्पेक्टर साहब बोल के गए? इंस्पेक्टर साहब काल कल बोल के शाम को गए, अभी तक तो उनका भी था नहीं, दोनों यहाँ का भी, मोतिहारी का भी और रक्सौल का भी, दोनों इंस्पेक्टर साहब। अच्छा एक बात आपको पता है, ये लोग तीन दिन से धरने पर बैठे थे लेकिन प्रशासनिक लोगों की आंख नहीं खुल रही थी। जब यहाँ पर इन माइकों को भले गलत बोला जाता होगा, ये बोला जाता होगा कि ये माइक भले 2000, 4000, 6000 का खरीद कर ये लोग सवाल खड़ा करते हैं, तो सोचिए इन्हीं माइक के दबाव की वजह से इन परिवार के लिए, परिवार से बात करने लोग आते हैं, नहीं तो वो लोग तो अपने सत्ता के नशे में चूर है कुछ लोग, और कुछ लोग जिनको प्रशासनिक जिम्मेदारी मिली है वो लोग अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकल रहे थे। जब ये लोग हंगामा शुरू किए हैं या ये लोग सवाल उठाने लगे हैं तब जाकर कहीं प्रशासन के लोग की नींद खुली है, तब जाकर वो लोग बात करने आए। टोटल घटना ये मैडम देखिए हर जेल में एक शेड्यूल होता है कि मतलब एक टाइम पे मिलने दिया जाएगा, वो नेम वाइज शेड्यूल होता है, जो फलाना नेम के लोग इस दिन मिलेंगे। अब बताइए एक हफ्ता में किसी दिन भी नहीं मिला देता है। अब ये पिताजी है, ये जब गए थे मिलने के लिए, अब बताइए कोई भी सरकारी दफ्तर कितने बजे खुलता है आप बताइए? 10 बजे। अब 10 बजे सुबह इनको बोला जाता है कि टाइम आउट हो गया, अब नहीं मिलने दिया जाएगा। आखिर ये मतलब इन लोगों का ये सरकारी दफ्तर किस हिसाब से चलता है, इन लोगों का नियमावली क्या है दीदी? कोई सिस्टमेटिक नहीं है। 6 दिन से लगातार जा रहे थे लेकिन एक भी दिन मिलने नहीं दिया? एक भी नहीं, बोला रोज नहीं। जा रहे थे रोज नहीं, एक दिन रहती टाइम नहीं लगता है, कोई बोलता है चलो आत्मा करो मिलने के लिए। क्या आप लोगों को कोई समय बताया गया था कि इस समय आइए मिलने दिया जाएगा?
समय दे काल तो हम फैल गया तो बोला ना अभी समय खत्म हो गया हम नहीं मिलने देंगे। दीदी सिर्फ 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 और सिर्फ गोल गोल घुमाया जा रहा है इस परिवार को, और इस पे जब तक मनीष सर नहीं आए थे ये मामला इतना तुल नहीं पकड़ा था। मनीष सर आए, आप आए, तमाम मीडिया बंधु आए, तब जाके इन लोगों को लग रहा है ना कि अब छोड़ना पड़ेगा, वरना अब मामला पार हो चुका है, हद के पार हो चुका है, अब इन लोगों की चलने वाली नहीं है। वरना ये लोग का बस चले ना दीदी तो ये लोग पत्रकारों को भी, जो पत्रकार जो सुनील जी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस मामला को उठाया था, उनको भी धमकी दिया जा रहा है, उनको बोल रहे हैं, उनको भी बुलाया जा रहा है कि बाबू तुम थाने में आओ, आके मिलो। अब बताइए पत्रकारों का काम यही है कि वो थाने में जाए मिलो, बोला जा रहा है कि बाबू तुम थाने में आके मिलो वरना तुमको भी समझा दिया जाएगा उसी भाषा में। अब बताइए पत्रकारों के लिए ये लैंग्वेज यूज, ये कौन बोला है कि बोले उसी भाषा में? वो सुनील जी खुद अपने वीडियो में बोले हैं, खुद कल के जो वीडियो सुनील जी बनाए थे इनके रक्सौल से, इनके घर से, वहाँ से खुद ये बोला है कि पत्रकारों के साथ ऐसा किया जा रहा है। बताइए दीदी आखिर ये अगर आप बताइए दीदी, अगर आप संविधान के अलावा देश की अगर कोई और भाषा है महोदय तो हमें भी पढ़ा दीजिए, हमें भी जरूरत है उसकी, क्योंकि हम लोग भी भीड़ में निकलते रहते हैं, जनता से बात करते रहते हैं, उस भाषा का ज्ञान हमें भी बहुत जरूरी है। सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ पे जितने पत्रकार लोग हैं उनको वो भाषा सिखा दीजिए, क्योंकि आगे जाकर लोकतंत्र की जिम्मेदारी हम उठाएंगे तो आपकी भाषा हमें भी आना ही चाहिए, आना चाहिए। दीदी दीदी अगर आप बताइए, ये तमाम ये 500 हजार 1000 2000 के माइक वाले नहीं होते तो क्या क्या ये लोग पता है सड़ा देते उस आर्मी मैन को, सड़ा देते कि नहीं दीदी? अगर ये 500 हजार वाले माइक वाले नहीं होते तो ये मामला अब तक पूरे देश को पता नहीं चला होता। बना रहे थे उनका सुनील जी इंडियन टाइम्स न्यूज वाले जब वीडियो बना रहे थे उस वक्त बहुत जोर से उनको धमकी दिया गया था क्या भाई वीडियो बंद करो, लेकिन माने नहीं उनकी बात, वीडियो बनाते हुए अंदर चले गए, तभी वो वीडियो हम लोगों के बीच में आया और सभी ने देखा, सब उसको शेयर किया, वायरल किया, तब जाके हम लोग यहाँ पर हैं इनके साथ में, नहीं तो आज उनके साथ मतलब उनको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं होता। अभी देखिए ये नहीं पता गलत कौन है सही कौन है, पर एक एक दायरा होता है साहब काम करने का। 6 दिन बीत जा रहा है, आप पिता को मिलने नहीं दे रहे हैं, इतना बड़ा कोई अपराध तो उन्होंने किया नहीं, मान लेते हैं एक्सीडेंट हुआ है, आप लोगों को दोनों पक्ष को बैठाना चाहिए था, बात करना चाहिए था, एक तरीका होता है, और हाथ उठाने का अधिकार कहाँ से मिल गया, कौन से अनुच्छेद कौन से अधिकार के तहत आप हाथ उठाते हैं, फिर जेल में बंद कर देते हैं, 6 दिन से परिवार वालों को मिलने नहीं देते हैं, परिवार वाले FIR लिखाने जा रहे हैं, कंप्लेन लिखाने जा रहे हैं, आप वो ले ही नहीं रहे कंप्लेन। महिलाएं का दोषी है, एक्सीडेंट हुआ उसमें महिलाएं का दोषी है कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीना गया है, थोड़ा सा लोग चोट लगाता है बस। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती। नहीं नहीं गलत बात है, गलत गलत गई है मैडम, मैं इनसे पूछी वहाँ पे ही थी, अर्जेंट में वहाँ पे थी। अच्छा उस मामले में वहाँ पे मौजूद थी, यहाँ मौजूद थी, वहाँ पे मौजूद सारे देख रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, और उनके द्वारा FIR लिया गया है, वो जिसका एक्सीडेंट हुआ वो नहीं दिया है, दूसरे कोई पक्ष से उनके खिलाफ में आवेदन लिया गया है, और इधर से कोई आवेदन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, आखिर क्यों? ये जो आप लोग को पता नहीं है क्या कि कंप्लेन FIR जैसी चीज होती है दिया जाता है? पता आप थाना लिया ही नहीं, गए थे कंप्लेन करने, कब गए थे? रात में गया था, पहले रात में गया था, 22 तारीख को 23 तारीख उसी दिन है, ठोकर लगा। अच्छा हाँ उसी दिन आके यहाँ दिया भाई नहीं लिया वो, क्या बोल रहे थे जो ना अभी समान नहीं है। देखिए आप एक्सीडेंट मामले पर नहीं कुछ कर रहे थे तो वो महिला सशक्तिकरण का बात करने वाले लोग जो आधी आबादी हम महिलाएं रखती हैं, अगर हमारे साथ इसी तरह शोषण होता रहेगा हमको परीक्षा देने के लिए, आप एक बात बताइए, ये राइट टू एजुकेशन है ना, अगर मेरा एडमिट कार्ड मेरे हाथ में है तो परीक्षा देने से कैसे रोका गया, ये एक सवाल है भाई। आप आरक्षण में महिलाओं को 50% देने की बात करते हैं, आप शिक्षा में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी की बात करते हैं, जनसंख्या में हम 50% है ही, एक महिला बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, और क्या पेपर दे पाई कि नहीं? नहीं नहीं दे पाई, नहीं दे पाई, कहाँ से देती, एडमिट कार्ड छीना गया, उसके हस्बैंड को मारा जा रहा है, एग्जाम दी है, एडमिट कार्ड में दिलवाई, एग्जाम हुआ, बस इतना ही हुआ कि हम लोग के चाहने के बावजूद, रिक्वेस्ट करने आग्रह करने के बावजूद मारे थे, बावजूद हम लोग हाथ जोड़ रहे थे, आप छोड़ दीजिए, आप थी वहाँ पे मौजूद थी, ये मैं ही एक थी जो आज तक लड़ाई लड़ रही हूँ, श्रेय चाहे जो लेना चाहे, मैं सिंगल पर्सन हूँ,
जो सभी को मैं परसों इनके पास भी आके। आपका शुभ नाम क्या है? सुनिए मैडम, एक मिनट, आप मुझे समाज सेवी पूर्णिमा भाई, आप मुझे आप पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताइए ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उनको पता चले कि गलती किसकी है। जब प्रशासन के लोगों से पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं गाली तो आर्मी वाले पर्सन की तरफ से भी दी गई, गाली हमारे तरफ से भी दी गई, गाली गलत हुआ ये बता। उसमें आप ही लोगों के कुछ मीडिया कर्मी के द्वारा ये गलती किया जा रहा है, यानी गलती को दोहराया जा रहा है। अगर प्रशासन के द्वारा हमारे आर्मी मैन के साथ गलती किया, अगर सजा उनको दिया जाएगा, क्या मीडिया वालों को हम लोग छोड़ देंगे? नहीं, कट करके जो चलाया जा रहा है, यानी हमको गाली आप दे रही हैं, मैं उसको दोहरा रही हूँ और उसको कट करके चलाया जा रहा है। मैं आप गाली क्यों कहें? अच्छा ये बताइए, आप थी वहाँ पे जब ये पूरा मसला हुआ, क्या बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है? लड़की के फादर है वो भी नहीं। एक मिनट बताइए, आप थी ना वहाँ पे? मुझे ये बताइए क्या वो गंभीर रूप से घायल है? पे मैं नहीं थी, घटना स्थल से यही था कि ये घटना स्थल पे थे और वो चिल्ला कर बोल रहा है कि ये आर्मी के जवान, थोड़ा थोड़ा उधर छोड़ दीजिए, आर्मी के जवान है। चाचा हमको यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए।